आज मऊ पुलिस को सूचना मिली कि एक 1 लाख का इनामी बदमाश लालू यादव जो कहीं पर जा रहा है, इसको घेराबंदी करने की पुलिस की टीम द्वारा कोशिश की। उस कोशिश के दौरान इस बदमाश ने पुलिस पार्टी के ऊपर काफ़ी फायरिंग किया, जिसमें पुलिस पार्टी की तरफ जो फायरिंग किया उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण उनके जैकेट पे भी कुछ गोलियां लगी। सरायला कंसी इंस्पेक्टर की जो गाड़ी है उस गाड़ी पे भी फायर हुआ है, उस पर भी 2 गोलियां लगी हुई हैं। और इसी जवाबी फायरिंग में जो बदमाश है उसको भी गोली लगी है, और उसको तत्काल जो टीम वहाँ पर मौजूद थी उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश की ताकि उसकी जान बच सके। हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते ही हॉस्पिटल में आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये बदमाश 1 लाख का इनामी था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में काफ़ी समय से वांटेड भी चल रहा था। जैसे यहाँ पे मऊ में एक RTI कार्यकर्ता थे बालू गोविंद, इनकी हत्या हुई थी, उनकी हत्या में ये मुख्य अभियुक्त था और वांटेड था। इसके बाद इसी हत्या से रिलेटेड जो गैंगस्टर का मुकदमा था उसमें भी ये वांटेड था। जौनपुर में एक सुनार के यहाँ डकैती हुई थी, लगभग 2 करोड़ अमाउंट उसमें था, उसमें भी ये वांटेड चल रहा था। लगभग कितने भदोही में भी एक कैश वैन लूट हुई थी जिसमें 30 लाख रुपए गए थे, और जो कैश वैन का जो गार्ड है उसके पैर को भी गोली मारी गई थी, तभी ये कैश वैन की लूट हुई थी। इसके अलावा मिर्ज़ापुर और बनारस में भी सुनारों के साथ लूट की गई थी जिसमें फायरिंग भी किया गया था। ऐसी 4-5 जो बड़ी बड़ी घटनाएँ थी जिनमें पिछले 3 साल से ये वांटेड चल रहा था। इसके अलावा इस बदमाश के खिलाफ लगभग 80 से 85 मुकदमे दर्ज हैं जो कि ज्ञात है, और सरायला कंसी थाने का ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके अलावा कुछ और मुकदमे अन्य प्रदेशों में भी इसके खिलाफ हो सकते हैं जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और जो आज जिस टीम द्वारा ये पूरी मुठभेड़ हुई है उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि उसके द्वारा जो जवाबी फायरिंग की गई उसमें वो घायल हुआ और अस्पताल उसको लाया गया। उसको कितने लोग थे सर इसके साथ? ये आज जो पुलिस टीम पे जो फायरिंग की है उसमें 2 लोग थे, जो कि एक ये लालू यादव जिसको गोली लगी और वो अस्पताल पहुँचते पहुँचते जिसकी मृत्यु हुई, और दूसरा एक बदमाश और था जो अंधेरे का फायदा लेके वहाँ से भाग गया, जिसके बारे में कॉम्बिंग भी की गई, जगह जगह थाना क्षेत्रों में चेकिंग भी अभी भी चल रही है की गई है, जिसके बारे में पता कर। सर क्या करने सर यहाँ पे आ रहा था, क्या प्रधान चुनाव कोई में आ रहा था ये इस तरह से? जो मुखबिर से सूचना थी वो इसी तरीके की थी कि क्योंकि ये प्रधानी का जो चुनाव है आगामी पंचायत चुनाव है इसमें इंटरेस्ट रख रहा था, और ये कुछ सूचना मुखबिर पास से ये मिली थी कि कहीं ना कहीं उस चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भी अपना ध्वज चलाने के लिए आता है। मुख्तार अंसारी गैंग से भी संबंधित था क्या? इसमें जो इसकी गैंग हिस्ट्री है उसमें ये कहा गया है कि कई बार बड़े बड़े गैंग्स ने इसको शरण दिया है, पर एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है इसके बारे में प्रश्न में डिटेल बात। ठीक है।